देखिए, आपका जो पढ़ाया गया था अब तक वो देख लिया जाए। अभी दो सेक्शन आपका जनरल एक्सेप्शन में पढ़ाया गया था, आपका 76 और 79। और इसमें जो छोटी छोटी बातें थी, 2 दिन 3 दिन लग गया, क्योंकि आपका तमाम छोटी छोटी भी बातें थी उसको भी बताना था। और अब हमें चलना है आपका सेक्शन 77 और 78। पहला जो आपका देखना है कि जो 77 है, इसमें न्यायिक कार्य को यानी कि जुडिशियल वर्क को प्रोटेक्ट किया गया है, जबकि 78 में कार्यपालकीय कार्य को। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका बनाना है कि जहाँ तक 77 की बात है, यहाँ न्यायिक कार्य को संरक्षित किया गया है, जबकि आपका 78 में जो प्रोटेक्ट किया गया है वह कार्यपालकीय कार्य को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले में कोई फैसला सुनाता है, तो उस फैसले के लिए उस पर अगर कोई कार्यवाही की जाती है, तो वह न्यायाधीश अपना डिफेंस ले सकता है, बचाव ले सकता है 77 सेक्शन के तहत, जबकि न्यायाधीश के निर्णय का निष्पादन या पालन या कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति भी अपना बचाव ले सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं, और वह डिफेंस लेंगे 78 के तहत। तो जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन इस पर बनता है, जो बिहार वार लेकर उत्तराखंड तक बना, वही क्वेश्चन बताया जाए कि अगर कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देता है, तो ऐसी दशा में न्यायाधीश ने कोई अपराध नहीं किया, और न्यायाधीश किस सेक्शन के तहत बचाव का हकदार होगा? 77। और चूंकि न्यायाधीश के निर्णय को लागू करते हुए जल्लाद उस कैदी को फांसी पर लटका देता है, तो जल्लाद ने भी कोई अपराध नहीं किया, तो कार्यपालकीय कार्य किस सेक्शन में बचाव के रूप में मान्य है? तो 78। अब आइए, ये तो यानी कि आपका जल्लाद किस धारा में बचेगा यही पूछा जाता है, तो 78 जल्लाद का कार्य आपका न्यायिक कार्य होगा कि कार्यपालकीय? तो आप क्या मारेंगे? कार्यपाल। अब आइए थोड़ा आपका 77 को डिटेल में हम देखते हैं। जहाँ तक 77 की बात है, जब भी आप 77 पढ़िए, सबसे पहले इसको अच्छे से कोरिलेट करके पढ़ना है, कोरिलेट करके लिखवाया भी जाएगा। यानी कि जब भी आप 77 को पढ़िए, तो देखिए कौन कौन सी धाराएं आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम आईपीसी देखेंगे, यानी कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। तो न्यायाधीश कहाँ परिभाषित हैं? 19 में परिभाषित हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट भी शामिल है। और इसके लिए कम से कम एक धारा हम पढ़ेंगे आईपीसी की, धारा दो धाराएं 219 और 220, सभी हम बताएंगे, इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसके बाद आईपीसी की धारा 499 भी हम देखेंगे, मानहानि का मामला। फिर आपका जो देखना है सीआरपीसी में थोड़ा जाना है, और सीआरपीसी में आपका जो मुख्य रूप से होगा 197 हम पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका आईपीसी में ही 77 अभी चलना ही है, तत्काल पहले 77। इसके बाद आपका मैंने एक कानून भी पढ़ना है, और वह कानून पढ़ना है आपका न्यायिक अधिकारियों को प्रोटेक्शन, यानी कि न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850, 1850, जो अंग्रेज बनाकर चले गए थे। और इसके बाद आपका एक केस पढ़ना है जो सीआरपीसी में मेंस में भी आया है यूपी में ही, कि न्यायिक अधिकारियों से
की गिरफ्तारी से संरक्षण हेतु दिशा निर्देश क्या क्या दिए गए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में दिए गए, उस दिशा निर्देशों का उल्लेख करिए। तो उसके लिए जो केस हम बताएंगे वह दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेज गुजरात राज्य। कौन सा केस? दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। ये मेंस में सीआरपीसी में जाकर बना है और इसमें जो टेक्निकल पॉइंट हैं उसको भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका 77 शुरू किया जाए और तब इन धाराओं को हम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से भाई, एकदम शुरुआती दौर से देखिए। न्यायाधीशों का कार्य सदैव से ही ऐसा रहा है कि लोग इनके प्रति दुर्भावना रखने लगते हैं। जैसे कि अगर किसी अभियुक्त को न्यायाधीश ने कारावास की सजा दी, जुर्माना लगाया, मृत्युदंड दिया, आजीवन कारावास दिया, तो ऐसी दशा में ये लोग न्यायाधीश के प्रति दुर्भावना रखने लगते हैं और हो सकता है कि उनके खिलाफ आपका मैंने कार्यवाही भी लीगल करें, या हो सकता है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों के खिलाफ आपका उनको डरवाया जाए, धमकाया जाए, नेता परेता से भूत प्रेत से क्या करवाया जाए फोन। तो कई न्यायाधीश हैं मजिस्ट्रेट पर चेक है जो अननोन नंबर उठाते ही नहीं। मैं बता दूं, अननोन नंबरों को जल्दी उठाते ही नहीं जब तक कि वह नंबर न जानते हो, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि इस नेता का फोन आ सकता है, किसी का आ सकता है, तो सावधानी भी बरतनी है और ज़्यादा समाज में भी नहीं हिलना मिलना है, नहीं तो ये हमारे मित्र हैं, चाचा हैं, चाची हैं, साला है, साली है और हितबद्ध हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए देखेंगे न्यायाधीश जल्दी समाज में घूमते नहीं है ज़्यादा। तो न्यायाधीशों को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होकर कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए ताकि वह सही निर्णय दे सकें। इसके लिए यह जरूरी है कि सही निर्णय वह दे तो उनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति कार्यवाही करना चाहता है तो उनको कानूनन संरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए आपका 77 में संरक्षण दिया भी गया है आईपीसी में और कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी न्यायाधीश द्वारा अपनी अधिकारिता के अंदर की गई हो। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायाधीश शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, 19 में न्यायाधीश में मजिस्ट्रेट भी शामिल है, कुछ दशाओं में कलेक्टर भी शामिल हैं और कुछ दशाओं में जो जिला पंचायत पंचायत का सदस्य होता है, पंच जो होते हैं वह भी शामिल हैं, तो इनको कुछ न कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने जुरिडिक्शन के अंदर, तो जुरिडिक्शन के अंदर या भीतर को हम कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल, और अगर अधिकारिता के बाहर आए शब्द तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक बार आपका पूछा गया है इंट्रा टेरिटोरियल मतलब कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर, यानी कि अपने क्षेत्राधिकार के अंदर रहते हुए कोई निर्णय डिक्री या आदेश पारित करता है तो कोई बात ये अपराध नहीं है, यानी कि उस निर्णय को देने, उस डिक्री आदेश को देने के लिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। लेकिन कब? जबकि वह अधिकारिता के अंदर रहा हो कि बाहर गया हो। अंदर, बाहर नहीं, अभी कहाँ बताया जा रहा है। भले मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश दुर्भावना में ही दंड दिया, उससे मतलब नहीं है। जैसे कि आपका एक उदाहरण देखा जाए, ये एक व्यक्ति है जो चोरी के लिए दोष सिद्ध किया गया और घर में चोरी के लिए अधिकतम सजा हो सकती है 7 साल और मजिस्ट्रेट ने यानी कि सीजीएम साहब ने अधिकतम जो सजा थी 7 साल
दे दिया तो क्या सीजीएम ने कोई गलती की? नहीं, तो अधिकारिता के अंदर थे, तो अधिकारिता के अंदर कोई भी कार्य किया जाए तो वह अपराध माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। दूसरा देखिए आपका, दूसरा जो हो सकता है पॉइंट वो ये हो सकता है कि जुरिडिक्शन के बाहर जाना, यानी कि अधिकारिता के बाहर जाकर निर्णय देना। इसमें दो बातें सतर्क रहना है। अगर कोई न्यायाधीश, अभी हम उदाहरण बताएंगे, पहले कंसेप्ट बनाइए, अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने अधिकारिता से बाहर जाकर अपनी सीमा का उल्लंघन करके, अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कोई निर्णय देता है, आदेश देता है, तो ऐसी दशा में याद रखिए, अगर वह गुड फेथ में यानी कि सद्भावना में बाहर गया हो, बोनाफाइड में, तो वह कोई अपराध नहीं करता। लेकिन दुर्भावना में गया है तब उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, इतना अंदर से कभी पूछा नहीं गया है, ये सही बात है, लेकिन अगर पूछ ही लिया जाए, क्योंकि वर्तमान समय के क्वेश्चन यही है कि अंदर तक एक एक छोटी छोटी बात पढ़िए, फिर एक बार पूरी कहानी देखिए भाई। अगर कोई न्यायाधीश, भाई न्यायाधीश में मैं जब जैसे न्यायाधीश बोल रहा हूँ इसमें मजिस्ट्रेट ऑटोमेटिक समाहित है, अलग से अब नहीं बोला जाएगा। अगर कोई न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के अंदर कार्य किया है, यानी कि जो उसे पावर कानूनन था उसका यूज करके कार्य किया है, तो चाहे वह सद्भावना में कार्य किया हो और चाहे दुर्भावना में, वह अपराध नहीं करता है, ये याद रखिए। लेकिन आपका अधिकारिता से बाहर चला गया तो अब ये देखा जाएगा कि अधिकारिता से बाहर जो वह गया है वह दुर्भावना में गया है कि सद्भावना में। तो अधिकारिता से बाहर चला गया, सद्भावना में गया तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन दुर्भावना में यानी कि जान बूझ कर अधिकारिता से बाहर गया, तब वह दंड का भागी होगा। अब एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वह 3 साल की सजा दे सकता है, सामान्यतः एक अभियुक्त को 3 साल की सजा दिया, अधिकारिता के अंदर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल की सजा दे दिया, अधिकारिता से बाहर चला गया, क्योंकि देख कितना सामान्यतः सकता था 3 साल। अब ये देखा जाएगा कि 4 साल की जो सजा ये दिया है, ये बोनाफाइड में इससे गलती हुई है, यानी कि उचित जांच पड़ताल करने के बाद गलती हो गई कि बिना जांच पड़ताल किए हुए ही दंड दे दिया, यानी कि सद्भावना में गलती हुई है, तब तो भाई मजिस्ट्रेट न्यायाधीश कोई दंड नहीं पाएगा, लेकिन जानबूझकर गलती की गई है दुर्भावना में, तब ये लोग दंड के क्या होंगे? भाग। अब समस्या ये है कि अगर ये लोग अपने अधिकारिता का दुर्भावना में उल्लंघन किए हैं तो इन पर मुकदमा चलेगा, तो तुरंत 2 धाराएं कवर कर लेनी है आईपीसी की। तो आईपीसी के किन धाराओं के तहत? न्यायाधीशों के ऊपर भी मुकदमा चलाने का प्रावधान है, दंडनीय है। तो कौन सी 2 धाराएं हैं? 219 और दूसरा कौन सा? 220। अभी डिटेल में हम नहीं बताएंगे यहाँ, ये क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाएगा, बस उल्लेख कर दे रहे हैं कि यहाँ ये प्रावधान है। अब आगे आइए, तो भाई आपका 77 हो गया, आपका 19 आईपीसी हो गई, न्यायाधीश की परिभाषा एपीओ में पिछली बार आया था, इसको आया था ये। इसके बाद आपका अधिकारिता से बाहर दुर्भावना में गया है, तो 2 धाराओं में से कोई धारा लगाकर मुकदमा चल सकता है। अब हमें 499 देखना है, जहां हम बताइए, ये निर्धारित जब मुकदमा चलेगा तो कोर्ट करेगा, जैसे अधिकारिता से बाहर आप गए। अब देखिए क्या उचित जांच, हम 76 में भी बताए थे, 79 में भी बताए थे,
जो मिस्टेक का फैक्ट था, तो क्या जो मिस्टेक का फैक्ट था उचित जांच पड़ताल आपने सच्चाई जानने के लिए की? अगर की और फिर भी गलती हो गई तब क्षम और बिना, यानी कि क्या मजिस्ट्रेट ने निर्णय देते समय इस बात की उतनी जांच की जितनी की जानी चाहिए कि ये मामला हमारे जुरिडिक्शन में है कि नहीं है? अगर जांच की फिर भी गलती हो गई यानी कि सद्भावना में, लेकिन बिना जांचे पढ़ते ही क्या दे दिया फैसला, अब ये तो कोर्ट में डिसाइड होगा। यहाँ भाई आपका यहाँ डिसाइड नहीं हो सकता। अगला देखिए भाई आपका 499 देखिए आईपीसी। अगर किसी न्यायाधीश पर डिफमेनेशन का मुकदमा चलता है तो 499 के अपवादों के तहत वह अपना बचाव ले सकता है। और आपका मैंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह ले सकता है बचाव, तो थोड़ा बहुत 499 भी जोड़ना है। अब आइए आपका जो अंग्रेज कानून बनाकर चले गए, आपका न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1850, जिसमें कि न्यायाधीशों को बचाव दिया गया है कि उनके निर्णय अगर दे रहे हैं और तो ऐसे निर्णय के कारण उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन फिर याद रखना है ज्यूरिडिक्शन के अंदर की बाहर, तो अंदर पूरी तरह क्षम्य है और बाहर जाते हैं तो वहीं गुड फेथ यानी कि सद्भावना और क्या देखी जाएगी, दुर्भावना। अब आपका कांड देखिए, कांड आपका अभी तत्काल बिहार में भी हुआ है और बिहार का भी उदाहरण अच्छा बन सकता है, नजीर बन सकता है। आपका बिहार का भी हम पहले बता दें तब केस बताएं, और आपका केस याद रखना है और उसमें एक टेक्निकल बात हम बताएंगे उस केस में वह पूछी जाती है। तो देखिए आपका पहले बिहार का ही उदाहरण देख लिया जाए। बिहार में क्या हुआ कि एक आपका एडीजे साहब थे और वह एसपी को तलब किए थे, बार बार बुलाते थे भाई रिपोर्ट वपोर्ट नहीं लगा रहेंगे। तो दो पुलिस वाले आए, दरोगा जी सिपाही, और एडीजे के आपका चैम्बर में घुस गए और कहे स्पष्ट रूप से कि बार बार हमारे सर को बुला रहे हो, सर ने हमें भेजा है, पिस्टल तान दिए सिर पर और अभी कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, न तुम इस धरती पर रहोगे और न तुम हमारे बॉस यानी कि एसपी साहब को बुलाओगे। तो अपना भाई धमकाए डरवाए, खूब हंगामा मचा। तब तक वकीलों को पता लगा तो वकील आपका खूब धुनाई पुलिस वालों को किए। अब देखेंगे खून उन बह रहा था, जो फोटो सोशल मीडिया पर पुलिस वालों का आया है तो वर्दी वर्दी फटी थी और सिर और फटा था, यानी कि वकीलों ने पहले क्या किया, धान जैसे कुटाई, उसके बाद आपका रिपोर्ट भेजी गई और डीजे ने तुरंत हाई कोर्ट को रिपोर्ट भेजी। हाई कोर्ट तुरंत एक्शन में आया और डीजीपी से कहा कि आप सील बंद लिफाफे में क्या करिए, तो रिपोर्ट भेजिए, 29 तारीख को रिपोर्ट भेजने, रिपोर्ट हाई कोर्ट पहुंच गई है सील बंद लिफाफे में। अब आपका अब राज्य सरकार क्या करेगी कि पुलिस वालों को बर्खास्त कर सकती है, निलंबित कर सकती है, जो पुलिस एक्ट में हमें पढ़ना भी है सेक्शन 7 में, पुराना पुलिस एक्ट में, और हाई कोर्ट भी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, यानी कि नौकरी जानी तो अब पक्की है और उसके बाद सजा भी होगी। ऐसा ही एक मामला आपका गुजरात में आया। अब वो दूसरा मामला देखिए जो केस अभी ये पेंडिंग है और जो अब मैं बता रहा हूँ उसमें निर्णय हो चुका है, लास्ट केस। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेज गुजरात राज्य का मामला आया और काफी चर्चा में रहा और तीन चार बिंदुओं पर विशेष ध्यान इस केस में देना है। पहले बिंदु ये है कि एक मजिस्ट्रेट साहब थे, पुलिस ने अभियुक्त का रिमांड मांगा कि अभिरक्षा में मांगा कि दीजिए, और आपका अब मजिस्ट्रेट साहब दिए नहीं और मजिस्ट्रेट साहब अब पुलिस आपका ना खुश हो गई थी, तो आपका मजिस्ट्रेट साहब कहे
कि भाई चार आप रिपोर्ट पुलिस क्यों नहीं भेज रहे हैं, तो पुलिस वालों ने एक चाल चली कि हजूर रिपोर्ट तैयार हो गई है, आप आकर थाने में एक बार रिपोर्ट देख लीजिए और तब हम आपको पुलिस रिपोर्ट क्या करें भेज दें। तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं ऐसी दशा में हुआ क्या, तो ऐसी दशा में आपका मजिस्ट्रेट साहब थाने पर चले गए और थाने पर पुलिस वालों ने कड़ी डाल दी, उनको शराब पिलाई। शराब पिलाना गुजरात में प्रतिबंधित था पीना, और फिर आपका जलूस निकाला, मीडिया को पुलिस ने बुलाया और फर्जी रिपोर्ट दर्ज कर ली जिन मजिस्ट्रेट के खिलाफ कि मजिस्ट्रेट साहब सार्वजनिक रूप से शराब पीते हुए क्या हुए पकड़े गए। हो हल्ला मचा, पूरे देश के वकील साथ दिए, आपका आंदोलन हुआ, हड़ताल हुई। तो जो दिल्ली न्यायिक सेवा संघ के अधिकारी थे, माने जो मजिस्ट्रेट थे, वह आर्टिकल 32 के तहत एक लोक हितवाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किए और कहे कि ये तो न्यायिक स्वतंत्रता पर घोर आघात है, इससे निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, आप अवमानना के लिए इन पुलिस वालों को दंडित करिए। तत्पश्चात पुलिस वालों पर गुजरात में भी मुकदमा कायम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना में नोटिस जारी की। अब यही आपको पहला पॉइंट समझना लीगल। पुलिस वाले ये कह रहे थे कि इस कार्य के लिए जब हमारे खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही चल रही है तो ये अवमानना की कार्यवाही नहीं चल सकती, क्योंकि अनुच्छेद 20 का खंड 2 जो है संविधान का, वह डबल जियोपार्डी या दोहरे खतरे या दोहरे जोखिम से संरक्षण देता है, एक ही अपराध के लिए दो बार हम सजा नहीं पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अवमानना की कार्यवाही है ये क्रिमिनल कार्यवाही नहीं है, ये क्वासी जुडिशियल होती है, न्यायिक अर्ध न्यायिक होती है, और ये मुकदमा चलेगा, अर्थात अवमानना अलग और क्रिमिनल कार्यवाही अलग। और सभी पुलिस वालों को 6-6 माह के लिए अवमानना के लिए दंडित किया। दूसरा लीगल पॉइंट देखिए, अब ये हुआ कि हजूर आप कैसे दंडित करेंगे, आपको कहाँ पावर है, हम माने निचले न्यायालय के अवमानना के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनुच्छेद 129 के तहत मैं अपने अवमान के लिए भी और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान या कंटेम्प्ट के लिए भी सजा देने का पावर रखता हूँ, भले न लिखा गया हो, यानी कि पावर बढ़ा लिया सुप्रीम कोर्ट। तीसरा ये आया कि अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये आया कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अब थाने में नहीं जाएगा। पुलिस वाले अब रिपोर्ट लेकर कहाँ आएंगे न्यायालय में, तो थाने में जाने पर पूरी तरह क्या लगा दी गई मजिस्ट्रेट न्यायाधीश को, रोक। चौथा मामला जो आया आपका, ये चौथा मामला आया कि एक व्यापक दिशा निर्देश या गाइडलाइंस आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा मजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों को गिरफ्तार करने के मामले में दिया गया। यानी कि ये केस 4 एंगल से महत्वपूर्ण है, वो तो सीआरपीसी में डिटेल में चलेगा क्या क्या संरचना था, लेकिन जो 4 एंगल हमने बताया ये केस काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आपका एक और सीआरपीसी में कोरिलेट करना है, उसको भी देख लिया जाए, पूछा भी जाता है सीआरपीसी की धारा आपका जो देखना है लास्ट में कौन सी धारा, 197। देखिए भाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसका दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र यानी कि रंगा सियार। तो दोहरा चरित्र देखिए आपका, डबल करेक्टर है भाई, डबल करेक्टर ताओं का होता है। देखिए एक दो करेक्टर के बारे में, यानी कि आपका दिन में सफेद कुर्ता पहनकर और आपका समाज में ये दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे नेता हैं, हमसे अच्छा नेता कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही रात होती है दो बूंद लेकर कौन समाज और कौन जनता
दो बूंद लेकर क्या हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो ये दोहरा करेक्टर है, तो इस धारा का भी दोहरा चरित्र है। अब याद रखिएगा, दोधारी तलवार यानी कि ये धारा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला के सिद्धांत पर आधारित है, छतरी का सिद्धांत। अरे पूछा जाता है, याद रखिए दोधारी तलवार, देखिए दोहरा चरित्र कैसे है। ये सेक्शन एक तरफ तो ये लोक सेवकों को या न्यायाधीशों को या मजिस्ट्रेटों को प्रोटेक्शन देता है कि अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी नहीं भाई, ऑन ड्यूटी, एक तरफ तो आपका दो एंगल से इसे देखना है। एक एंगल आपको देखना है प्रोटेक्शन, और दूसरा एंगल देखना है करप्शन। याद रखिएगा, इसी धारा में संशोधन हुआ है, पिछली बार एपीओ में आया भी था 2015 में। आपका कितने माह में अनुमत देनी चाहिए, समय आया था 4 मास, उसको हम बताएंगे डिटेल में आपका। लेकिन इसको दो एंगल से पढ़िएगा अच्छे से, और हर एक बार ये क्वेश्चन आ रहा है। पहला एंगल ये है कि अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक, तो पहला क्वेश्चन यही बना कि लोक सेवकों को संरक्षण संज्ञान के मामले में किस धारा में, सीआरपीसी में 157। दूसरा मॉडल भी आपका एमपी में बना कि 197 किसको प्रोटेक्ट करती है, न्यायाधीश को, मजिस्ट्रेट को, लोक सेवक को, उपर्युक्त सभी। तो क्या हमने बताया, उपर्युक्त सभी। अगर कोई लोक सेवक या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी कोई अपराध किया है, तो न्यायालय तभी उस अपराध का कॉग्निजेंस लेगा या संज्ञान करेगा, या मामला तभी न्यायिक आगे बढ़ेगा जब अगर केंद्र सरकार का है सेवक तो केंद्र सरकार, और राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार इसके लिए परमिशन दे दे, अनुमति दे दे। याद रखिए, अनुमति के बिना मामला कॉग्निजेंस ही नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी दशा में ये जो है इसका दोहरा चरित्र इस आधार पर है कि पहला चरित्र ये है कि लोक सेवकों को ये धारा बताती है कि निर्भीक होकर बिना किसी डर भय के वह अपना काम करें। अगर कोई आम आदमी इन पर मुकदमा भी करता है, तो जब तक सरकार न चाहे मुकदमा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरा पहलू है कि यही धारा भ्रष्टाचार की जननी भी है, अर्थात लोक सेवकों को ये भी इजाजत नहीं देती, मैंने किया जाता है, लोक सेवकों के लिए प्रोटेक्शन देती है करप्शन से कि खूब लूटो खसोटो, खूब घूस लो, खूब करप्शन करो, और जब तक सरकार नहीं चाहेगी तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये धारा, ये दूसरा एंगल है। तो न्यायाधीशों को प्रोटेक्ट किया गया है किस धारा में, मजिस्ट्रेटों को, तो सीआरपीसी की कौन सी धारा, 197। तो दोनों डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला भी कहे जाते हैं भाई, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट और लोक सेवक के लिए। अभी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी मामला आया था करप्शन का, पेपर आउट का, जिसमें, और पेपर का जिसमें कि अंजू कटियार पकड़ी गई थी, तो चूंकि ऑन ड्यूटी अपराध की थी, तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट अनुमति नहीं दे देती तब तक इनके मामले में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। तो अनुमति दे दी है भाई राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने के, क्या दे दी है, अनुमत। वैसे 4-5 बार रही जेल में, फिर छुट्टी है, वो अलग बात है भाई। ये अब एक धारा और देख लिया जाए, 2 ही मिनट का है। देखिए, न्यायाधीश अगर निर्णय देता है तो 77, अब बस 78 दो ही लाइन की है, कि जो व्यक्ति न्यायाधीश के निर्णय का पालन करते हुए कार्य करता है
तो ऐसे व्यक्ति को भी संरक्षण मिलना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को संरक्षण की धारा में मिला है, तो आपका जवाब रहेगा कौन सी धारा है, 78। तो जैसे कि आपका न्यायालय ने तीन चार उदाहरण देखा जाए, भाई केवल जल्लाद ही नहीं, जल्लाद ठीक है प्रसिद्ध है, लेकिन और भी तो उदाहरण पूछे। न्यायालय ने एक अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया, तो न्यायाधीश बचेंगे 77। और जो पुलिस वाले जाकर बुलडोजर चलवा दे रहे हैं या कुर्की कर लिए, अटैच कर लिए, वो पुलिस वाले किस में बचेंगे, 78। तो केवल जल्लाद ही न समझिएगा, तो आपका और भी बातें हैं, तमाम बातें हैं, जल्लाद तो बता ही गया तो आपका, लेकिन और भी बातें हैं। जैसे कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पुलिस जाकर गिरफ्तार कर ली, तो न्यायाधीश बचाव के हकदार होंगे, 77। और न्यायाधीश के निर्णय का पालन करने वाले, 78। तो पुलिस वाले किस में, 78। तो इस प्रकार आपका दो धाराएं समाप्त हुई, कल आपका 80 और 81। भाई शुक्रवार शनिवार को लिखवा जाएगा, बता दिया जाए, पहले आज बुधवार ना, कल तक अभी लेक्चर चलेगा, साइंस की क्लास आज नहीं चलेगी, कल से भाई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे आपका, वही 12 सवा 12 बजे से आपका। तो जिनको जीएस पढ़ना है भाई अपना कल से बैठें, पहले साइंस ही चलाया जाएगा, बिहार में भी ज़्यादा आता है और जगह भी, तो बिहार के भी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कहा गया है कि आप पढ़ाइए, दे दिया जाएगा जो आता है।